ऑटो सेक्टर अब तक के सबसे भयावह दौर का सामना कर रहा है। मंदी की मार ऐसी पड़ी है कि कई परिवारों की रोजी रोटी का जुगाड़ तक खत्म हो गया है। कारों और मोटरसाइकिलों की बिक्री में कमी से ऑटो सेक्टर में बड़े पैमाने पर छटनी हो रही है। कई कंपनियां अपनी दुकान समेटने को मजबूर हैं। शुरुआती अनुमानों के मुताबिक ऑटो मैन्युफैक्चरर्स, ऑटो पार्ट्स बनाने वाली कंपनियां और डीलर्स अप्रैल से अब तक करीब 3.5 लाख लोगों की छटनी कर चुके हैं। कार और मोटरसाइकिल निर्माताओं ने 15,000 और ऑटो पार्ट्स मैन्युफैक्चरर्स ने 1 लाख लोगों को निकाला है, जबकि बाकी नौकरियां डीलरशिप्स में से गई हैं। ऑटो सेक्टर से जुड़े लोगों का दावा है कि हर एक कंपनी पहली कटौती नौकरियों पर ही करने के लिए तैयार है। लार्ज नंबर ऑफ जॉब्स आर स्टेक बिकॉज एवरी कंपनी हैज इनफ कॉन्ट्रैक्ट मैन पावर, टेम्पररी मैन पावर्स, एंड सो इट इज गोइंग टू टेक टाइम अनलेस अ वेरी मेजर स्टेप्स ऑफ स्टिमुलस पैकेजेस आर अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट। यानी राहत पैकेज की दरकार इस सेक्टर में शिद्दत से है। इस राहत पैकेज में सबसे बड़ी मांग तो जीएसटी घटाने को लेकर है। इसके लिए वित्त मंत्री से ऑटो सेक्टर के दिग्गजों की मुलाकात भी हुई, हालांकि अभी सिर्फ सुनवाई हुई है और फैसला आना बाकी है। वित्त मंत्री जी ने और जो हमारे हैवी इंडस्ट्री की मिनिस्टर हैं उनकी संरक्षण में और सारे जितने भी अफसर थे वो प्रेजेंट थे और इंडस्ट्री को बहुत टाइम मिला अपने जो प्रॉब्लम्स को उजागर करने का, एक्सप्लेन करने का। और मैं इतना कहूँगा कि मीटिंग बहुत पॉजिटिव थी और सरकार का रवैया बहुत पॉजिटिव है इंडस्ट्री को हेल्प करने। वी आर लुकिंग फॉर सम हेल्प एंड रिडक्शन ऑन द जीएसटी, वी आर लुकिंग एट making sure that finance is available and at the affordable rates. And then we have also talked of the scrappage policy, which helps to increase the demand, particularly in the heavy commercial vehicle area, where due to actual load increasing, suddenly there was a 25% increase in the capacity. That is hurting us very badly. So in that area, these are the three things we have put forward. अभी अगर सरकार अपने वादे के मुताबिक जल्द ही ऑटो सेक्टर को संकट से नहीं उबारेगी तो छटनियों का ये आंकड़ा तो महज एक शुरुआत भर होकर रह जाएगा। बीते दिनों एक रिपोर्ट में ऑटो सेक्टर की 10 लाख नौकरियों पर तलवार लटकने की आशंका जाहिर की गई थी, लेकिन सवाल केवल ऑटो सेक्टर का ही नहीं है। इस सेक्टर से अर्थव्यवस्था के कई पहिए सीधे तौर पर जुड़े हैं। इससे अगर ऑटो सेक्टर के पहिए की हवा निकली तो अर्थव्यवस्था की पूरी गाड़ी संकट में आ सकती है। लेकिन अगर केवल ऑटो सेक्टर की ही बात की जाए तो ये सेक्टर देश की जीडीपी में 7% से ज्यादा का योगदान करता है। ऑटो सेक्टर के बूते प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर 3.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलता है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन सेक्टर में मिलने वाली नौकरियों का करीब आधा हिस्सा अकेले ऑटो सेक्टर के भरोसे है। CMIE के मुताबिक जुलाई 2019 में बेरोजगारी की दर 5.66 से बढ़कर 7.51% हो गई थी। ऐसे में मोदी सरकार के लिए ऑटो सेक्टर में मंदी सबसे ज्यादा बड़ी चुनौती है। अगर दिग्गज ऑटो कंपनियों का जिक्र करें तो हालात की गंभीरता का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। देश की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति सुजुकी ने पिछले 6 महीनों में अपनी अस्थायी कर्मचारियों की संख्या में 6% की कटौती की है। टाटा मोटर्स ने पिछले 2 हफ्तों में अपने 4 प्लांट्स को बंद कर दिया है, जबकि महिंद्रा ने कहा है कि अप्रैल और जून के बीच उसके प्लांट्स में करीब 5 से 13 दिनों तक कोई प्रोडक्शन ही नहीं हुआ। होंडा ने 16 जुलाई से राजस्थान में अपने प्लांट में कुछ कार मॉडल्स का प्रोडक्शन तक बंद कर दिया है और 26 जुलाई से 15 दिनों के लिए ग्रेटर नोएडा में अपने दूसरे प्लांट में पूरी तरह से मैन्युफैक्चरिंग को रोक दिया है। दरअसल इस संकट के लिए केवल मंदी जिम्मेदार नहीं है। एक साथ कई नीतियों में फेरबदल करने से ग्राहक दुविधा में पड़ गए हैं कि वो कार खरीदें या भी इंतजार करें। This is an unprecedented slowdown, never expected by the industry. There are many reasons attributed to it. The cost of ownership has gone up, the availability of finance, the insurance cost, registration cost, cost of petrol and diesel is all affecting in the end the sentiments in the market. लेकिन इन मुद्दों के साथ ही इलेक्ट्रिक कार का इंतजार भी कारों की बिक्री में संकट की एक बड़ी वजह बन रहा है। With
so much thrust on the electric vehicle by the government. That also step in the right direction, but one has to understand how much accelerator should be pressed on that. Everything has timing, everything has infrastructure cost, vehicle development cost. वैसे संकट की शुरुआत कारोबारी साल 2017-18 में ही हो गई थी। उस वक्त हुंडई मोटर इंडिया के करीब 23 शोरूम, निसान के 38 शोरूम और होंडा, मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स और महिंद्रा एंड महिंद्रा के करीब 12 शोरूम बंद हो गए थे। इस संकट को समझने और सुलझाने में सरकार वाकई काफी देर कर चुकी है।